Hey guys, very good morning to all of you and welcome to All Aboard. This is Aditya. I hope I am audible and visible to all of you clearly. कैसे हैं भाई, क्या हाल चाल है? आज पीपीटी अपडेट कर रहा था मैं, न्यूज कुछ ज्यादा थे, एमसीक्यूज भी ज्यादा थे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, सॉरी फॉर दैट. चले, सो लेट स्टार्ट द सेशन. 30th ऑफ दिसंबर को करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. लास्ट टू डेज आर रिमेनिंग एंड आफ्टर दैट वी विल बी इन अ न्यू ईयर. उसके बाद हम एक नए वर्ष में एंटर कर जाएंगे, राइट? या ओके. तो डिग्री सेल्सियस शेयर हो रहा है, 9 डिग्री रांची में, 25 डिग्री तेलंगाना, बैंगलोर का होगा या 24 के आसपास, ठीक है? चलो, बाकी जगह का टेम्परेचर शेयर हुए. अच्छा लगता है जब तक मैं नहीं आता हूं, आप लोगों का कुछ ना कुछ डिस्कशन चलता रहता, दैट इज कंस्ट्रक्टिव. एक्सेप्ट रिजल्ट, रिजल्ट के ऊपर डिस्कशन के लिए कल मैंने एक लिंक डाल दिया था यूट्यूब पर, अच्छा डिस्कशन चला, मोर देन 700 कमेंट्स, बच्चों को मजा आ गया डिस्कस करके, ठीक है? चलो, अगर जरूरत पड़ी तो आज भी दे दूंगा सिमिलर टाइप ऑफ लिंक, तो करते रहना आप लोग डिस्कस वहां पर. टेलीग्राम ग्रुप कल बचा हुआ था, दैट इज व्हाई. 30th ऑफ दिसंबर करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन एंड द एमसीक्यूज ऑफ यस्टरडे. थिंक बिग, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड मेक इट हैपन. बड़ा सोचो, अपने आप पर विश्वास रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस and self-respect both are very very important. Until unless you will not able to respect yourself, अगर दिमाग में doubt आता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्या ये सही है कि नहीं है, तो वो जो doubt है वो कहीं ना कहीं एक self-respect और self-doubt को create करेगा. तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान रखें कि be confident, think positive, think big and just work properly. You will definitely able to achieve anything in this world whatever you wanted. Download the Hollywood application, guys. Subscribe the Hollywood YouTube channel. If you are watching the session for the first time, Telegram group is GA Genius, where you will be able to find the updates fastest. Because kai baar main update nahi kar paata, par itne badhiya bachche hain na ki result aata hai within a second. Pura time aisa lagta hai IBPS par hi baithe hue hain. The fastest update and all of my PDFs in the file section. To mere sare PDF milenge aapko file section mein. Homework check karte hain. Question number one. शांत क्यों हो गए भाई आप लोग? मैं सेशन स्टार्ट करता हूं, आप लोग शांत हो जाते हो. हाँ, सब ठीक है ना? हाँ, कंटिन्यू रहा कर, कोई दिक्कत नहीं है. पहला क्वेश्चन क्या था? पैन कार्ड रिलेटेड था. पैन कार्ड इश्यूज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? करेक्ट आंसर था 139A. अभी पैन कार्ड में डिटेल्स क्या क्या होती है आपकी? सो फर्स्ट थ्री डिजिट ऑफ पैन कार्ड, फर्स्ट थ्री डिजिट of PAN card is the random combination of alphabet between AAA to ZZZ. तो A से Z के बीच के combinations होते हैं ये. अच्छा, ये वाला word आप देखना, यहाँ पर आपके PAN card में आपको मिलेगा P लिखा हुआ. P का meaning होता है क्या? Individual. यहाँ पर मिलेगा आपको P लिखा हुआ. तो P का meaning होता है individual. For C it is company, A association, T trust, H HUF and F form. तो यहाँ पर आपके PAN card में P होगा. M is the first letter of your surname. तो आपके surname का पहला letter मिलेगा आपको यहाँ पर. After that, 1 to 9 में, 0, 0, 0, 0, 1 to 9 में यहाँ पर आपके पास digits हैं. Last में आता है आपका check digit. तो ये आपका overall PAN card number define करता है. ठीक है? अच्छा, सब fine है, perfect. Next था IFSC code, Indian Financial System code, 5th character. Used, that is Roman. तो IFSC के बारे में हमने कई बार पढ़ा है. IFSC is the 11 digit alpha numeric code, right? 11 digit का alpha numeric code है. So where first four digit represent bank name. यहाँ पर first four digit जो है ये bank name represent करती है. Last six digit represent branch address. Fifth digit is always zero, that is called control unit. इसको बोला जाता है control unit. It is kept for the future use. इसको फ्यूचर यूज के लिए इसको रिजर्व करके रखा गया है. करेक्ट है? नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीआई? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट. पीपीआई का मतलब, पीपीआई का फुल फॉर्म क्या था? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट. तो आप लोग जो यूज करते हैं जी पे, फोन पे, राइट? तो जी पे, फोन पे, अमेजोन पे, व्हाट्सएप पे, ऑल दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पीपीआई. आंसर फुल डिटेल्ड वर्थ आंसर्स इन रीडिंग गाइस, परफेक्ट आंसर्स. आई कैन से दैट. प्रार्थना मैम, बहुत बढ़िया आंसर्स थे. 139 इनकम टैक्स एक्ट, सारा कुछ इन्होंने अच्छे से डिफाइन किया हुआ था. देन
सुभाशीष, बहुत बढ़िया आंसर, फुल डिटेल्ड वन। शिवानी, नमन, वेंकट साई, अभय, परफेक्ट आंसर्स। रमा, परफेक्ट मेरे भाई। माधुरी, अतुल, सेल्वी, शैलेश, आनंद, प्रियंका, हरप्रीत, बढ़िया आंसर्स। बहुत आंसर्स थे, मुझे एक के ऊपर एक लगाने पड़े, बहुत बढ़िया है। हमजोत, हर्षिता, आफ्टर दैट हीरेंद्र, दीपेंद्र, बहुत बढ़िया। देन हर्षा, उर्मिला, यूजर, सबा, संकल्प, अर्जित, डॉली साहू जी, इशिता, साथुराम, हरेका एंड अंजलि, परफेक्ट आंसर्स गाइस। कल के लिए क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन नंबर वन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च्ड आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट ग्रुप। तो किस टारगेट ग्रुप के लिए लॉन्च किया गया है आरबीआई? आरबीआई, अच्छा लिंक नहीं मिल रहा था तो देर हो गई, लिंक आप लोग शेयर कर दो, आज मैंने शायद टेलीग्राम ग्रुप पर डाला नहीं। आरबीआई हैज लॉन्च्ड रिजर्व दिस रिटेल डायरेक्ट स्कीम, हु इज द टारगेट ग्रुप? सेकंड क्वेश्चन क्या है, अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिटेल डायरेक्ट स्कीम रिटेल इन्वेस्टर्स विल हैव टू ओपन विस टाइप ऑफ अकाउंट विद आरबीआई। तो आरबीआई के साथ किस तरीके का अकाउंट ये ओपन करने जा रहे हैं? थर्ड है आपके पास, पेमेंट फॉर द ट्रांजेक्शन डन ऑन द रिटेल डायरेक्ट स्कीम कैन बी डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी, इनमें से किस फैसिलिटी के थ्रू पेमेंट किया जा सकता है? ये आपके पास ऑप्शंस हो गए सर, ठीक है। एसबीआई पीओ द्रोणा बैच, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ जनरल अवेयरनेस, न्यू बैच रिसेंटली स्टार्टेड, वन वन क्लास हैज बीन डन इनटू इट एंड स्टूडेंट कैन ज्वाइन इट बाय यूजिंग द कोड आदित्य, ADITY आदित्य, फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड टू प्रिपेयर अंडर द पर्सनल गाइडेंस ऑफ आदित्य सर। बाय यूजिंग कोड आदित्य यू विल हैव द एक्सेस ऑफ पेटीएम। तो जो लोग नया जीए का सिर्फ बैच देख रहे हैं उनके लिए ऑप्शन जीए द्रोणा बैच है अभी। बाय द वे, फॉर द कंप्लीट मेंटरशिप, एंड टू एंड मेंटरशिप, जीरो टू फाइनल मेंटरशिप प्रोग्राम, दैट इज 100 सीट्स वर देयर ऑलरेडी, ऑलमोस्ट हाफ 50% हैज बीन ओवर। कोड आदित्य कैन बी यूज फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट ओवर इट एंड टू ऑप्ट आदित्य सर एज योर मेंटर। अगर आदित्य सर आपको अपने मेंटर चाहिए तो फिर आपको कोड आदित्य यूज करना ही पड़ेगा, ठीक। चलो आगे चलें, एमसीक्यू रिवीजन क्वेश्चन नंबर वन, एशियन डेवलपमेंट बैंक विल प्रोवाइड $125 मिलियन लोन फॉर टू डेवलप द क्लाइमेट रेजिलियंट सीवेज कलेक्शन ट्रीटमेंट ड्रेनेज वाटर सिस्टम इन थ्री सिटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। कौन से स्टेट्स के लिए इसको लॉन्च किया गया था सर? प्लीज यार नंबर ऑफ लाइक थोड़ा सा आप लोग देख लेना, क्योंकि आगे चल के जो व्यूज पर इम्पैक्ट डालता है नंबर ऑफ लाइक्स होता है, तो अगर आप लोग एक सेकेंड का टाइम निकाल कर लाइक कर दोगे तो अच्छा हो जाएगा मेरे लिए भी, ठीक है। मैं TNA का लिंक दे देता हूँ बच्चों को। हाँ भाई, आंसर आया आप लोगों का, तमिलनाडु है। अमाउंट कितना था तो कल हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, दैट इन द ईयर 2018 ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अनाउंस टू प्रोवाइड $500 मिलियन लोन एंड दिस $125 मिलियन इज द पार्ट ऑफ दैट सेम लोन अमाउंट। तो उसी का हिस्सा था ये जो $125 मिलियन अभी रिसेंटली इन्होंने दिया है इनको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में फॉर्म हुआ, 68 मेंबर्स हैं। मसात सागुआ सकावा सर इज द प्रेसिडेंट, मिस्टर अशोक लवासा इज द वाइस प्रेसिडेंट, समीर कुमार खरे इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मनीला फिलिपींस इनका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया लॉन्च इट्स यूनिक हेल्थ इंश्योरर राइडर प्रोग्राम? किस इंश्योरेंस कंपनी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर? तो मैंने कल एक्सप्लेन किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइडर्स, करेक्ट आंसर है बजाज अलायंस, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, राइडर्स का डिटेल भी कल डिस्कस हुआ है, सो इफ यू हैव मिस्ड इट यू कैन वॉच द TNA ऑफ यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रीअपॉइंटेड भास्कर बाबू रामचंद्रन एज द MD एंड CEO ऑफ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 3 years विद द इफेक्ट फ्रॉम 23rd जनवरी 2023। 3 साल के लिए रीअपॉइंटमेंट। स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टार्टेड इट बिजनेस फ्रॉम 23rd ऑफ जनवरी फ्रॉम विच ईयर? तो किस वर्ष में शुरुआत करी थी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना बिजनेस करने की? सो दिस कंपनी सूर्योदय, इट वॉज फॉर्मड एज अ NBFC, इनिशियली इट वॉज फॉर्मड एज अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी इन द ईयर 2008। तो 2008 में एज अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी स्टार्ट हुआ है।
Then a proper NBFC, non-bank financial company in the year 2015, and in the form of a small finance bank in the year 2017. तो 2017 में स्मॉल फाइनेंस बैंक के फॉर्म में स्टार्ट हुआ. ठीक, आगे चलें. नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक फोक इन द रोड माय डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड. हाँ भाई, किसने लिखी है किताब? आंसर्स नहीं आ रहे यार आप लोगों को, मजा नहीं आ रहा. थोड़ा सा एनर्जी तो लेकर आओ, लौटा कर. है एनर्जी आप लोगों के अंदर, शक्तियां याद दिलानी पड़ती हैं. सी रंगराजन सर, 19th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. परफेक्ट आंसर गाइस. 19th गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन सर केम अप विद द बुक इन थ्री पार्ट. पार्ट वन आरबीआई एंड प्लानिंग कमीशन, पार्ट टू गवर्नर ऑफ आरबीआई, पार्ट थ्री बियॉन्ड आरबीआई. तो तीन पार्ट्स में इनकी बुक आई थी. नेक्स्ट है, विच स्टेट असेंबली हैज पास द लोकायुक्त बिल 2022 एंड 28th ऑफ दिसंबर. अच्छा, ये न्यूज कल था डिस्कशन में, स्लाइड चेंज करने में हमसे स्किप हो गया था गलती से. सो वी मिस्ड दिस न्यूज यस्टरडे, इट वॉज देयर इन द सेशन. सो आई थिंक यू गॉट इट इन द पीडीएफ ऑल्सो, पीडीएफ में मिला होगा आपको ये न्यूज. सो लोकायुक्त बिल 2022 रिसेंटली पास्ड बाय महाराष्ट्र, द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डू सो. अभी इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है? कैबिनेट मिनिस्टर दीपक कसरकर हैज इंट्रोड्यूस दिस बिल एंड टू ब्रिंग द चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट अंडर एंटी करप्शन ओम्बुजमैन. सो एंटी करप्शन ओम्बुजमैन, ओम्बुजमैन मीन्स लोकपाल. सो अंडर द एंटी करप्शन लोकपाल नाउ इन महाराष्ट्र इवन चीफ मिनिस्टर विल बी इंक्लूडेड. So Lokpal will have authority to do the inquiry against the chief minister of the state as well. तो ये पहला स्टेट है जिन्होंने इस बिल को इंप्लीमेंट किया है इन द स्टेट. इज माई पॉइंट क्लियर? अच्छा पॉइंट था, अच्छा क्वेश्चन था. नेक्स्ट है, द स्पाइस कोस्ट इन द नॉर्थ, इन द फार नॉर्थ ऑफ विच स्टेट पॉपुलरली नोन एज नॉर्थ मालबार, सेलिब्रेटिंग बेकाल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल फ्रॉम 24th दिसंबर, स्टार्टेड फ्रॉम 24th ऑफ दिसंबर. करेक्ट आंसर है केरला, कल डिस्कस हुआ. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज साइंड एमओयू विद सेंट्रल टीवी डिविजन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर टू इंप्लीमेंट द प्रोग्राम फॉर द इरेडिक्शन ऑफ टीबी. टीबी को हटाने का प्रोग्राम, ट्यूबर क्लोसिस को खत्म करने का प्रोग्राम अभी रिसेंटली IOCL ने अनाउंस किया इन टू स्टेट्स. वन इज उत्तर प्रदेश, व्हाट इज द नेम ऑफ सेकंड स्टेट? सेकंड स्टेट इज छत्तीसगढ़. सो फर्स्ट वाज यूपी, सेकंड वाज छत्तीसगढ़. कंपनी IOCL कोलैबोरेटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. ठीक है, टारगेट टू एलिमिनेट द टीवी बाय द ईयर 2025. एलिमिनेशन टीवी रिसेंटली कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय द्रौपदी मुर्मू मैम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. Housing and Urban Affairs Minister Hardeep Singh Puri on 28th of December launches the guideline for city finance ranking and city beauty competition in which of the following city. Correct answer is New Delhi. तो New Delhi में launch किया गया था ये competition और इनका memorandum. Government of India officially recognized e-sports, electronic sports, online gaming as the sports. As a part of multi-sport event on 27th December, the decision was taken by President Draupadi Murmu by using the power given under Provision 3 of which article of Indian Constitution? SSC का exam नहीं है, but current affairs की दम पर article आपसे पूछा जा सकता है from the Constitution. And I think all of you have gone through it very, very properly. Very good guys. So Article 77. So provision 3 of article 77 used by President Draupadi Murmu and after that electronic sports has been announced as a multi-sport game. Then President Draupadi Murmu on 27th of December inaugurated Sri Salem Temple under Prasad scheme. It is located in which state? Simple answer hai, almost sabko pata hoga. Maybe few North Indian get confused between Karnataka, Andhra, Kerala, Telangana, but answer is Andhra Pradesh. So Sri Salem Temple is located where in Andhra. Next hai, IASC Bangalore will function as a secretariat of Science 20. Abhi Science 20 aa gaya hai, B20, C20 ke baad S20. So Science 20 of G20 group. Science 20 group included into G20 group in which year? Abhi aap socho question kya hai?
साइंस 20 इंट्रोड्यूस इन द G20 ग्रुप इन विच ईयर, किस वर्ष में S20 को G20 में इंक्लूड किया गया? करेक्ट आंसर है 2017. सो फॉर द ईयर 2022, फॉर द ईयर 2020, सॉरी फॉर द ईयर 2023, 22 तो गया खत्म, 23 इंडिया विल बी लीडिंग द चेयरमैनशिप ऑफ G20. सेम ईयर S20 सेक्रेटरिएट विल बी IISc बैंगलोर. तो ये होगा सेक्रेटरिएट S20 का. थीम विल बी डिस्ट्रप्टिव साइंस फॉर द इनोवेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. S20 एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2017. साइंस 20 वन ऑफ द न्यूएस्ट ग्रुपिंग ऑफ G20 इन लाइन विद द G20 एज द नॉन परमानेंट रोटेटिंग सेक्रेटरिएट. तो नॉन परमानेंट हेडक्वार्टर्स हैं इसकी. 2023 हेडक्वार्टर विल बी IISc बैंगलोर. अगला पॉइंट देखते हैं सर, यहां तक के क्वेश्चन सबको क्लियर. रिसेंटली अ पावरफुल बॉम्ब साइक्लोन हिट विच कंट्री, इफेक्टिंग एटलीस्ट 200 मिलियन पीपल. 64 एटलीस्ट 64 पीपल हैव डाइड. करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंक्लूडिंग द स्ट्रेच ऑफ मैक्सिको एंड कैनेडा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव साइंड ऑपरेशन एग्रीमेंट इंसर्जेंट ग्रुप विथ स्टेट जिलानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट. दैट इज यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट इन डिटेल. ZUF ऑफ विच स्टेट. तो कौन से स्टेट ने अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ और इस ZUF ग्रुप के साथ पीसफुल एग्रीमेंट साइन किया है? करेक्ट आंसर है मणिपुर. सो इट इज अ ग्रुप विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2011 फाइटिंग. It was a Naga group which is fighting, which was fighting for the rights of Naga tribes, but they were fighting sometime non-peacefully. मतलब वॉयलेंस को भी यूज करते थे. सो नॉन वॉयलेंट तरीके से पार्टिसिपेट करने के लिए भी इनका MOU साइन हुआ है गवर्नमेंट के साथ. आते हैं आज के न्यूज पर. पहला न्यूज, बैंक्स बैलेंस शीट ग्रो इन डबल डिजिट आफ्टर 7 ईयर, रिपोर्ट ऑफ RBI. इंटरव्यू वाले सबसे पहले नोट कर लें, इंटरव्यू में डिस्कशन होगा इसके ऊपर आप लोगों से. जो SBI PO इंटरव्यू प्लान कर रहे हैं, GD डिस्कशन यू कैन गेट और इंटरव्यू इन इंटरव्यू ऑल्सो यू कैन गेट द टॉपिक ओवर इट. तो ये काफी रिलेवेंट टॉपिक है आपके GD का भी, इंटरव्यू का भी, और रिटर्न एग्जाम तो हम बोल ही सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की कैटेगरी में रखेंगे. बैंक बैलेंस शीट ग्रो इन डबल डिजिट इन द 7 ईयर्स. अभी थोड़ा सा बैलेंस शीट की बात कर लेता हूं. एक क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू, व्हाट इज द बैलेंस शीट ऑफ बैंक, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा. कैन यू एक्सप्लेन द बैलेंस शीट ऑफ बैंक. सो बैंक की बैलेंस शीट में आपके पास क्या क्या चीजें आती हैं? एक आता है आपके पास एसेट्स, राइट साइड में एसेट्स, लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज. सो एसेट्स लायबिलिटीज. अच्छा, लाइबिलिटीज क्या होती है बैंक की? वॉट एवर द डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय बैंक. तो जितने भी डिपॉजिट बैंक एक्सेप्ट कर रहा है, और लोन बोरोड बाय द बैंक, और फंड कलेक्टेड बाय द बैंक बाय इशुइंग बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, इक्विटी, वो सब आ जाएगा किस कैटेगरी में? लाइबिलिटीज वाली कैटेगरी में, जहां पर बैंक फंड ले रहा है, दैट इज द लाइबिलिटी ऑफ बैंक. सो डिपॉजिट्स आर लाइबिलिटी, लोन्स आर द एसेट्स. जहां पर बैंक फंड दे रहा है, सो लोन्स हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गए, इन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट बॉन्ड, इफ बैंक इज इन्वेस्टिंग मनी इन गवर्नमेंट बॉन्ड, SDF. एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, SDF कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ बैंक, एसेट और लाइबिलिटी? ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा. तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, रिवर्स रेपो रेट, सो ऑल दीज डिपॉजिट विल कम अंडर द एसेट साइज. डबल डिजिट में पहुंचा बैंक का बैलेंस शीट, इट इज एन इंडिकेशन दैट लाइबिलिटीज आर ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड एसेट्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग. दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हो रहे हैं, एसेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं. अभी यहां पर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेटा की बात करें हम. लाइबिलिटी एसेट्स तो मैंने समझा दिया, अभी यहां पर बात करें किस चीज की इंपॉर्टेंट डेटा क्या है. सो पब्लिक सेक्टर बैंक अकाउंट 62% ऑफ डिपॉजिट्स. सो आउट ऑफ टोटल डिपॉजिट इन द बैंकिंग सिस्टम, 62% डिपॉजिट बिलोंग्स टू पब्लिक सेक्टर बैंक. वाइल ऑन द लोन they have 58% market share. Still, public sector bank are leading in both the areas compared to private sector bank, even on the deposit side, as well as on the side of lendings. The credit growth in the bank is 10-year high in end of September 2022. 10 साल में सबसे ऊपर चल रहे हैं जो बैंक की lendings हैं वो. अच्छा, ग्रॉस एनपीए की बात करें,
So in March 2022, gross NPA was 5.8%. In September, it came to 5%. So September ka data, it is the good news. As a banker, you should appreciate this news. You should be happy for this, that NPA is continuously decreasing. So NPA kam ho raha hai, 5.8 se 5% par aage. So it is showing that banks are moving towards the profit making, becoming more profit making machine now. SBI is a profit making machine, everyone knows. So अब बाकी बैंक भी मूव कर रहे हैं. CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रिक्वायर्ड इज 12%. फॉर प्राइवेट बैंक के लिए, कितना बोला है 9%, कि भाई 9% मेंटेन करो. पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए 12, बट एवरेज इज 16 एट प्रेजेंट. अभी एवरेज चल रहा है CAR का कितना परसेंट, 16%. सारा डेटा इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा डेटा इंपॉर्टेंट है. जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो बता देना कि सर कोई चीज अगर आपके समझ में ना आ रही हो तो. ठीक, हाँ परफेक्ट. 12% RRB इसके लिए, 9%. ठीक, आगे मूव करें. अभी यहां पर एक प्रॉब्लम जरूर था, दैट वॉज राइट ऑफ फ्यू डेज बिफोर वी हैव डिस्कस्ड इट. सो इट इज ऑल्सो देयर इन द सेम रिपोर्ट, दैट ऑल्दो द राइट ऑफ वर हाई, 10,09,000 करोड़ रुपी हैज बीन रिटर्न ऑफ बाय द बैंक्स इन द 5 years. सो यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज प्रेजेंटेड दिस डेटा, द 10.09 लाख करोड़ रुपी वॉज द फंड विच हैज बीन रिटर्न ऑफ बाय द बैंक. तो बैंक ने इतना पैसा क्या किया, राइट ऑफ किया. राइट ऑफ का मतलब होता है द लोन विच बिकेम एनपीए एंड बिकेम लॉस एनपीए, लॉस एसेट विच इज इम्पॉसिबल टू रिकवर. सो बैंक रिमूव इट फ्रॉम द बैलेंस शीट, उसको लॉस स्टेटमेंट में डालकर बैंक छोड़ देता है, दैट दिस इज द लॉस पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट. एंड आफ्टर दैट बैंक कैन सेल दैट लोन टू बैड बैंक, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, अदर ERCs फॉर द रिकवरी पर्पस. सो टोटल अगर राइट ऑफ की बात करें तो डेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. 10.10, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 10.09 लाख करोड़ रुपी वॉज द अमाउंट विच वॉज रिटर्न ऑफ बाय द बैंक. ठीक, आगे आ जाओ. एनपीए इज लो, वन रीजन इज राइट ऑफ ऑल्सो, यू कैन से दैट. इट इज नॉट लाइक, बट द एनपीए विच इज अंडर सब स्टैंडर्ड डाउटफुल, दैट इज ऑल्सो इंक्रीज, बिकॉज वॉट एवर द लोन इज अंडर सब स्टैंडर्ड डाउटफुल, दैट कैन नॉट बी राइट ऑफ. राइट ऑफ कैन बी यूज बाय द बैंक ओनली इन द केस वंस द लोन इज लॉस एसेट. एक बार लॉस बनेगा उसके बाद ही यूज हो सकता है. ठीक है, नहीं बेटा डायरेक्ट लॉस नहीं, देखो लॉस एसेट के बाद भी उसको क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ करके ARCs को दे रहे हैं. सो वॉट एवर द फंड बैंक इज कलेक्टिंग फ्रॉम ARCs, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहा है. तो बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, एक तरीके से आप राइट ऑफ को ऐसे समझो कि आपके घर का जो भी डीबर्स है, जो भी ऐसा यूज्ड प्रोडक्ट है विच इज नो यूज फॉर यू एंड यू आर सेलिंग इट इन द मार्केट, बिल्कुल गया बीता प्रोडक्ट, आप बोल सकते हो घर का जो कचरा है अगर वो बिक रहा है, सो वॉट एवर द फंड यू आर कलेक्टिंग फ्रॉम देयर, वो भी कहीं ना कहीं फंड्स तो आ रहा है ना आपके पास. सेम टू सेम लॉस एसेट्स के साथ भी होता है, लॉस एसेट्स को भी बेचा जाता है. ठीक, चलो आगे आ जाओ, अगले पॉइंट पर चलते हैं. सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ऑन अ साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसेंटली फॉर्म्ड अ कमेटी. सो सेबी एक्सपांडेड टू कमेटीज, दैट इज हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी ऑन द साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर कमेटी, एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी कमेटी. तो दो कमेटीज हैं, इन कमेटीज में एक्सटेंशन किया है. कमेटी नंबर वन हाई पावर कमेटी ऑन द साइबर सिक्योरिटी. नाउ अर्लियर द मेंबर वर 6, नाउ देयर विल बी 8 मेंबर्स इन दिस कमेटी. पहले 6 थे, अब 8 मेंबर हो गए कमेटी में. कमेटी चेयर्ड बाय नवीन कुमार सिंह सर, डायरेक्टर जनरल है नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर के. तो नवीन कुमार सर इज द चेयरपर्सन ऑफ साइबर सिक्योरिटी कमेटी ऑफ सेबी. देयर आर 8 मेंबर्स इन दिस कमेटी नाउ. कितने मेंबर्स हैं इस कमेटी में? 8 मेंबर्स हैं. सेकंड कमेटी इज
इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी कमेटी, ISSC कमेटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी कमेटी। सेकेंड कमेटी 7 मेंबर्स है, चेयर्ड बाय प्रोफेसर कृष्ण मूर्ति सर। तो कौन है इसके चेयरपर्सन? प्रोफेसर कृष्ण मूर्ति सर, दिस इज द सेकेंड कमेटी। तो दो कमेटीज हैं जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो बढ़ाए गए हैं एंड चेयरपर्सन ने, सो बोथ आर इंपॉर्टेंट। कमेटी, चेयरपर्सन, यू नो दैट हाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज। नेक्स्ट वन, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सर अपॉइंटेड एज द इंटर्न सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो CVC अपॉइंट हुए हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं मिस्टर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सर। CVC सुरेश एन पटेल सर गॉट रिटायर्ड ऑन 24th ऑफ दिसंबर। तो 24 दिसंबर को रिटायरमेंट हुआ सुरेश एन पटेल सर का, CVC थे। आफ्टर द रिटायरमेंट से विजिलेंस कमीशन मींस देयर विल बी वन CVC, चीफ विजिलेंस कमिश्नर एंड टू विजिलेंस कमिश्नर। तो दो विजिलेंस कमिश्नर होते हैं आपके पास, एक थे आपके पास प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सर, सो ही इज एक्चुअली विजिलेंस कमिश्नर हु रिसेंटली गॉट द चार्ज ऑफ CVC। तो ये विजिलेंस कमिश्नर ऑलरेडी है, इनको CVC का चार्ज दिया गया है अभी इंटर्न। सेकेंड वन इज मिस्टर अरविंद कुमार, दूसरे आपके पास हैं अरविंद कुमार सर, हु इज ऑल्सो द विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। द टेन्योर ऑफ CVC एंड द विजिलेंस कमिश्नर इज 4 ईयर और 65 ईयर ऑफ एज। या तो 4 ईयर का टेन्योर कंप्लीट हो जाए या 65 ईयर ऑफ एज कंप्लीट हो जाए, इन बोथ केसेस इट इज रिटायरमेंट। आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर, सारा न्यूज क्लियर है सर, अच्छे से एक बार CC लिखेंगे आप लोग। आगे मूव करते हैं, विजिलेंस कमीशन के बारे में जानकारी होगी आप लोगों को। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1964 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, प्रिवेंशन ऑन द कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन बाय श्री के संतनाम सर टू एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज फील्ड ऑफ विजिलेंस। तो ये विजिलेंस कमीशन जो है ये सारे डिपार्टमेंट का विजिलेंस करता है, पुलिस डिपार्टमेंट हो आपका, टैक्सेशन, इनकम टैक्स, CBDT, डिफेंस फोर्सेस, सबके विजिलेंस की इनके पास क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट केम इन द ईयर 2003। आगे आते हैं अगले न्यूज की तरफ, दो क्वेश्चन पूछता हूं आंसर बताना। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड इन विच IIT। सेकेंड क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस वॉज मेड इन विच सिटी। तो ये दो क्वेश्चन बताया मैंने आपको, आंसर बताइएगा मैं जब तक ये न्यूज कंप्लीट करूंगा, ठीक है, ये न्यूज कंप्लीट करूंगा। सो इंडियन आर्मी इनॉग्रेट्स फर्स्ट एवर 2-story 3D प्रिंटेड ड्वेलिंग यूनिट इन विच सिटी, अहमदाबाद। अहमदाबाद में इन्होंने अभी जो है 3D प्रिंटेड हाउस बनाया, सो इट इज अ हाउस लाइक दिस। थोड़ा बड़ा इमेज दिखाता हूँ, ये इस तरीके का ड्वेल यूनिट, मतलब कि डबल स्टोरी हाउस है, फर्स्ट एंड सेकेंड, टू फर्स्ट मतलब एक फ्लोर का हाउस है, आप बोल सकते हो दो फ्लोर का हाउस है फर्स्ट एंड सेकेंड। सो 3D प्रिंटेड हाउस विच कैन बी कंस्ट्रक्टेड क्विकली फॉर द सोल्जर्स, इट इज कंस्ट्रक्टेड इन अहमदाबाद कैंट ऑन 28th ऑफ दिसंबर। दिस ड्वेलिंग यूनिट कंस्ट्रक्टेड बाय मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज इन एसोसिएशन विद माइको प्राइवेट लिमिटेड बाय 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। सो 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है। इट हैज बीन कंप्लीटेड जस्ट इन 12 वीक्स बाय यूजिंग 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी, फाउंडेशन वॉल एसेट्रा। तो स्लैब्स और सारी चीजें बनी थी, स्ट्रक्चर्स इसको खड़ा कर दिया गया बस। सो इट वॉज द हाउस फॉर द मिलिट्री दैट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन अहमदाबाद कैंट। तो कैंट का नाम याद रखेंगे, अहमदाबाद कैंट है। अब मैंने आपसे पूछा था इंडियाज फर्स्ट हाउस किस IIT ने बनाया था, उसका आंसर था आपके पास IIT मद्रास, राइट, IIT मद्रास इन्होंने बनाया था पहला हाउस 3D प्रिंटेड 3D हाउस। दूसरा था फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस, पहला 3D पोस्ट ऑफिस आपका कहां पर बना, तो दैट इज द आंसर इज बैंगलोर, उसका आंसर हो गया आपका बैंगलोर, ठीक। बाकी आंसर आप लोगों के आ गए थे, ओके। आगे आ जाएं, इंडियन आर्मी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर
हाँ मैं करवा दूंगा बेटा, अभी मैं ये न्यूज कंप्लीट कर लें, योटा वाला मैं न्यूज ओपन करके एक बार पढ़ लूंगा आप लोगों के सामने, गूगल पे ही ओपन कर लेंगे, पढ़ लेंगे अभी एक बार, ये न्यूज कंप्लीट हो जाए आज के न्यूज बहुत सारे हैं। इंडियन आर्मी इनॉग्रेटेड फर्स्ट एवर टू स्टोरी 3D प्रिंटेड हाउस वियर इन अहमदाबाद। तो इसको बनाया गया है अर्थक्वेक मतलब रेजिस्टेंट, दैट इट विल बी डिजास्टर रेजिस्टेंट, अर्थक्वेक वगैरह से सेफ रहेगा। द फॉर्मेशन इज फॉर्म्ड अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान कैंपेन, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इसको बनाया गया। नेक्स्ट अगला न्यूज है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्चेस प्रहरी एप्लीकेशन फॉर BFS। ये याद रखना ITBP होगा, BSF, CISF, CRPF, किसके लिए लॉन्च हुआ है प्रहरी एप्लीकेशन। सो प्रहरी एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज इन न्यू दिल्ली। यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय, डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF मिस्टर पंकज कुमार सिंह सर एंड यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वर प्रेजेंट वाइल लॉन्चिंग ऑफ BSF प्रहरी एप्लीकेशन विच इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ प्रोएक्टिव गवर्नेंस। सो गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू द BSF विद द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशन, दे कैन पुट अप देयर नीड्स एंड ऑल। BSF वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 दिसंबर 1965 आफ्टर इंडो पाकिस्तान वॉर। BSF को बनाया गया था 1965 में। इट इज द बॉर्डर फोर्स डिप्लॉयड ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर विथ बांग्लादेश पाकिस्तान। BSF इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया। इट वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर में ये काम करता है। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला पॉइंट देखें। यूनियन होम मिनिस्टर प्रेसाइडेड ओवर द कॉन्फ्रेंस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो होम मिनिस्टर साहब ने भी कल एक दो दिन में बहुत काम कर लिया अचानक से, तो सडनली चार पांच न्यूज मिल रहे हैं अपन को होम मिनिस्टर से रिलेटेड। सो यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कंडक्टेड अ मीटिंग ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूटीज इंक्लूडिंग दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अनुन कुमार मेहता, उमंग नरुला एडवाइजर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख रिप्रेजेंटेड कश्मीर एंड लद्दाख यूटी रिस्पेक्टिवली। मतलब कि जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने, लद्दाख को रिप्रेजेंट किया उमंग नरुला सर ने, तो दे रिप्रेजेंटेड लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। पॉइंट क्लियर है सारे के सारे। एट द सेम टाइम BSF, दिस BSF का एप्लीकेशन क्या नाम था एप्लीकेशन का, कैन यू गाइस क्विकली टेल मी दैट व्हाट इज द नेम ऑफ एप्लीकेशन व्हिच इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो द एप्लीकेशन ऑफ BSF एंड द BSF मैनुअल वॉज ऑल्सो लॉन्च्ड। तो BSF मैनुअल और एप्लीकेशन, हाँ भाई प्रहरी है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे आ जाओ, कयाकिंग कनोइंग एकेडमी। आप लोग बोलोगे हमको भी जाना है कयाकिंग कनोइंग एकेडमी में, क्या होता है, इज इट अ डांस एकेडमी, नो इट्स अ स्पोर्ट्स एकेडमी। कयाकिंग कनोइंग आर द स्पोर्ट्स रिलेटेड टू द रेस इन वॉटर विथ बोट। तो बोट रेसिंग के इवेंट होते हैं कयाकिंग कनोइंग। एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिस्टर आर के सिंह अनाउंस्ड ऑन 28th of December टू सेट अ वर्ल्ड क्लास कयाकिंग कनोइंग एकेडमी एट थेरी उत्तराखंड। सो थेरी उत्तराखंड में इसको अनाउंस किया गया है। ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ नेशनल चैंपियनशिप ऑफ थेरी वॉटर स्पोर्ट्स कप थेरी लेक पर कंडक्ट हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी। सो फर्स्ट नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन वॉज कंडक्टेड इन थेरी लेक एंड नाउ इट इज अनाउंस दैट वर्ल्ड क्लास अकेडमी विल बी कंडक्टेड विल बी मेड फॉर द कयाकिंग। अच्छी बात है, नए स्पोर्ट्स सामने आ रहे हैं जहां पर अभी चांसेस हैं दैट यूथ कैन स्टार्ट वर्किंग ओवर इट। सो थेरी इज अ स्मॉल टाउन सिचुएटेड ऑन भागीरथी एंड बहिलनंगा रिवर्स इन उत्तराखंड। तो भागीरथी के पास लोकेटेड है तेहरी लेक, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन एशिया। तो एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित लेक भी है, दैट इज वाई वेरी वेरी फेमस। आगे चलते हैं अगले न्यूज की तरफ, आगे चलते हैं अगले अगले न्यूज की तरफ।
IT minister launches a stay safe online campaign to tackle the cyber crimes. So under the G20 Digital Innovation Alliance, apart from G20 presidency, Ministry of Electronics Information Technology, Railway, Mr. Ashwini Vaishnaw sir launches a stay safe online campaign and G20 Innovative Alliance on 28th of December. The stay safe online campaign was launched to make people aware about the online frauds, that if you are using the technology, use the technology safely. मैंने भी एक दो दिन पहले एक प्रॉपर वीडियो बनाया था दैट इफ यू गेट रैंडम लिंक चेक योर IBPS रिजल्ट चेक योर IBPS रिजल्ट डू नॉट क्लिक ऑन दैट लिंक्स इट मे कॉम्प्रोमाइज योर डिवाइस इट मे कॉम्प्रोमाइज योर टेलीग्राम अकाउंट विच कैन बी मिसयूज्ड बाय द हैकर्स तो ऐसे किसी रैंडम लिंक पर क्लिक ना करें वी आर एजुकेटेड पीपल वी आर फ्यूचर बैंकर्स वुड बी बैंकर्स हैं आप लोग राइट Not me, but you are would be bankers. तो जब आप already banker बनने वाले हैं तो उस केस में कैसे miss कर सकते हैं ऐसी important चीजों ठीक आगे चलते हैं बिजली उत्सव organized by बिजली उत्सव organized by REC Limited in Assam as a part of आजादी के अमृत महोत्सव नाम सुना है आप लोगों ने REC Limited का Why this is famous? REC Limited is the 12th Maharatna Company of India. 12th number ki Maharatna Company hai, recent Maharatna Company, or you can say that the newest Maharatna Company is REC Limited. They recently conducted Bijli Utsav in Assam. Now, under Bijli Utsav, quiz competition Nukkad Natak organized on the topic like consumer right of electricity, energy conservation, benefit of electricity. The electricity relevant competitions conduct kiye gaye, quiz competition, essay writing, nukkad natak, etc. So, aise competition conduct hue under Bijli Mahotsav. Utsav, it is conducted by REC Limited. REC Limited is a NBFC non-bank financial company which is focused on the power sector. Like PFC, Power Finance Corporation, jaisa hai. Similar to that, RFC is also a finance company which is formed in the year 1969. Recently completed or recently got the status of Maharatna company. Now there are total 12 Maharatna companies in India. Government extend, agla news. Government extend free import of Urad Tur pulses till March 2024. So Government of India approved the import of Tur Dal and other pulses free of cost means without any taxes. पैसे तो देने पड़ेंगे tax नहीं लगाएगी सरकार ऐसा नहीं है free का मतलब हो गया कि free में मिल रहा है तुअर तो export import ही कर लेता हूँ दुकान से खरीदने पे पैसे लगते हैं पापा रुको मैं import कर लेता हूँ वहां से free है taxation payment will be made ठीक है government of India extended the free import on Urad Tur pulses by One more year till 31st of March 2024, date will be important for the examination. So earlier in March 2022, government allowed free import of Tur and Urad till 31st of March 2023. Ab ek saal ke liye isko extend kar diya gaya hai. Although India is the largest producer, importer, consumer of pulses in the world. India sabse bada producer bhi hai, importer bhi hai, consumer bhi hai. Because India is the biggest consumer, that is why after being biggest producer, we need to import also. क्योंकि हमारा consumption इतना ज़्यादा है कि सबसे बड़े producer होने के बाद भी हमको import करना ही पड़ता है. समझ में आया? So accounting world account 25% of global production, 15% of international trade and 27% of world consumption. तो हमारा प्रोडक्शन वर्ल्ड के प्रोडक्शन के 25% के अप्रोक्सीमेटली है 15% हम इंपोर्ट करते हैं अप्रोक्सीमेटली 27% का जो है वो हमारा कंजम्पशन है वर्ल्ड कंजम्पशन में अभी यहां पर अगर हम बात करें तो इंडिया बाइंग मैक्सिमम पल्सेस फ्रॉम कनाडा फॉलोड बाय म्यांमार तो किन कंट्रीज से सबसे ज्यादा पल्सेज आते हैं सबसे ज्यादा पल्सेज आपके खरीदे जाते हैं कनाडा से देन म्यांमार ठीक है ये काफी सारा डिटेल है मैं डायरेक्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ रहा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया तो मध्य प्रदेश इज ऑन टॉप इन टर्म ऑफ लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स राजस्थान देन महाराष्ट्र
अगर 2021 की बात करें इन तुअर दाल, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तो ये आपके पास पल्सिस का डेटा हो गया, तूर दाल का डेटा हो गया। आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर। ठीक, आगे आ जाते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ले डाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ प्रसाद स्कीम, एट भद्रचलम एंड रुद्रेश्वर मंदिर, रुद्रेश्वर टेम्पल मंदिर इन तेलंगाना। सो रुद्रेश्वर टेम्पल एंड भद्रचलम, बोथ प्लेसेस विल बी कवर्ड अंडर प्रसाद स्कीम। अंडर द प्रसाद स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सिलेक्टिंग द पिलग्रिम्स प्लेसेस फॉर द डेवलपमेंट पर्पस। तो सरकार क्या कर रही है, मंदिर को सिलेक्ट कर रही है उनके रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, उनको प्रॉपर एक आप बोल सकते हो कि पिलग्रिम डेस्टिनेशन सेंटर बनाने के लिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट अंडर प्रसाद स्कीम गवर्नमेंट इज सिलेक्टिंग द टेम्पल्स। रिसेंटली टू प्लेसेस, दैट इज भद्रचलम एंड रुद्रेश्वर मंदिर, सो बोथ आर सिलेक्टेड अंडर इट। ठीक, आगे आ जाओ। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, बट जस्ट आई एम डिस्कसिंग विद इन 30 seconds। सो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लॉन्चेस ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल फॉर द ग्राम डाक सेवक। तो ग्राम डाक सेवक कैन अप्लाई फॉर द ट्रांसफर ऑनलाइन, फॉर दैट द पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। सेम डे 5,000 ग्राम डाक सेवक हैव अप्लाइड थ्रू द पोर्टल एंड दे गॉट अप्रूवल ऑल्सो। तो ट्रांसफर के लिए भी आपको एप्लीकेशन वगैरह जो है देने की जरूरत नहीं होगी। किनको? ग्राम डाक सेवक को, वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंड their transfer can be accepted or rejected by the government of India. Last news dekhte hain ek aur baar. India Australia Economic Cooperation Trade Agreement came into force on 29th of December. So India and Australia signed the Economic Cooperation Trade Agreement on 2nd of April 2022. It is the first trade agreement between the two countries more than a decade. On the other hand, India has granted the preferential access to Australia for more than 70% of tariff line, mainly the raw material of India. So India ke raw material ko pe achha khasa access hoga Australia ka, for the production purpose they can buy the raw material from India. As a result, 10 lakh jobs are expected in the country in the upcoming days. So 10 lakh job jo hai wo India mein implement ho sakti hain aane wale time. Theek, point clear hai sare ke sare. चलो भाई, मोदी जी की मदर पास्ड अवे, प्रियंका हैव शेयर्ड द न्यूज, आई हैव नॉट चेक टिल नाउ। सो प्रियंका बिकॉज ओल्ड स्टूडेंट है, दैट इज व्हाई आई एम आल्सो बिलीविंग एंड हैविंग ट्रस्ट। सो द न्यूज विल बी ट्रुथ। रैंडमली कोई आकर लिखता तो नहीं मानता हूँ। पुराने जितने बच्चे हैं, अर्णव हैं, स्वप्निका हैं, ऑलमोस्ट आप लोग सब पुराने ही हैं। कभी कभी नए बच्चे दिखते हैं, वो भी कभी कभी ही दिखते हैं, राइट? तो न्यूज इज फाइन, and fine means news is correct, and so rip to the personality of Modi ji's mother, and let hope she will remain in peace. Modi ji will also take care about him. Chaliye guys, we'll meet back in the next session. Till that time, keep watching Hollywood guys. Jai Hind.